हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास ट्वेल्थ की विस्तास बुक के चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट को, जिसकी ऑथर है सुजैन हिल। तो इस चैप्टर में दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, जो है मिस्टर लैम जो कि एक ओल्ड मैन है, और डेरी जो कि एक 14 इयर्स ओल्ड बॉय है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मिस्टर लैम के गार्डन के बारे में बताया गया है, जहां पर डेरी धीरे धीरे चलते हुए उस गार्डन के अंदर आ गए होते हैं और लॉन्ग ग्रास के बीच में वो चल रहे होते हैं। तभी एकदम से उन्हें मिस्टर लैम की आवाज आती है और डेरी एकदम से चौंक जाते हैं। वो डेरी से क्रैब एप्पल से संभलने के लिए कहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो उस पर पैर रखकर फिसल जाए। तभी डेरी काफी शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि कौन है वहां पर। तब मिस्टर लैम उन्हें बताते हैं कि लैम उनका नाम है, और डेरी उनसे कहते हैं कि उन्हें लगा था कि शायद ये एक एम्प्टी प्लेस है और एक एम्प्टी हाउस है, तो इसीलिए वो यहाँ पर आ गए। और तभी मिस्टर लैम देखते हैं कि डेरी काफी डरा हुआ है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि हाँ, हाउस तो एम्प्टी ही है क्योंकि मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ। और जब डेरी कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम यहाँ पर रुकोगे। यहाँ पर लोग आते हैं और लोग यहाँ से जाते हैं, और यहाँ का गेट हमेशा सभी के लिए खुला हुआ रहता है, पर तुम ही हो जो गार्डन की वॉल के ऊपर से कूदकर यहाँ पर आए हो। तभी डेरी कहता है कि नहीं नहीं मैं कुछ चुराने नहीं आया था। और मिस्टर लैम देखते हैं, क्योंकि डेरी काफी डरा हुआ होता है, तो उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तभी डेरी एकदम से कहते हैं कि मैं नहीं डर रहा हूँ, पर लोग मुझसे डरते हैं। वो मुझे देखते हैं, मेरे फेस को देखते हैं और मुझसे डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक बेचारा सा लड़का है जिसका फेस जला हुआ है, साथ ही में उन्हें मेरा फेस बहुत ही टेरिबल लगता है, और शायद तुम भी मुझे देखकर अंदर से डरे हुए हो। और मैं भी जब अपने आप को मिरर में देखता हूँ, तब मैं खुद भी डर जाता हूँ। तो जब मिस्टर लैम देखते हैं कि डेरी इतनी नेगेटिव बातें कर रहा है, तो इसीलिए मिस्टर लैम टॉपिक चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि जब शाम हो जाएगी तब मैं क्रैब एप्पल्स तोड़ूंगा और उनसे जेली बनाऊंगा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे उसमें। तभी डेरी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो दूसरे लोगों से, आखिर तुम सब लोग ऐसे प्रिटेंड क्यों करते हो, ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है, इसीलिए तुम टॉपिक चेंज कर देते हो जबकि अंदर से तो तुम डरे हुए हो। तभी मिस्टर लैम उनसे पूछते हैं, ठीक है मुझे बताओ क्या हुआ है। तब डेरी कहते हैं कि मुझे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है, और मेरा ये जो फेस है वो एसिड के कारण जल गया था। एक बार एसिड मेरे फेस के एक साइड पर गिर गया था, जिसके कारण वो एक साइड जल गया था, और साथ ही में इट एट माय फेस अप, इट एट मी अप, मतलब इस एसिड ने सिर्फ मेरा फेस ही डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि इसने मेरी पूरी लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर दी है, और अब मेरी लाइफ में सभी चीजें अब चेंज हो चुकी है। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो डेरी उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मुझ में। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि गॉड ने जितनी भी चीजें बनाई है, मैं उन सभी चीजों में इंटरेस्टेड हूँ। साथ ही में वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि उन्होंने इस गार्डन में सभी तरह के पेड़ लगा रखे हैं, जैसे कि फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, ट्रीज, छोटे छोटे पेड़, सभी तरीके के प्लांट्स उन्होंने लगा रखे हैं। साथ ही में उन्होंने उस गार्डन में वीड्स भी उगा रखी है, मतलब जिन्हें लोग अनवांटेड प्लांट्स कहकर बुलाते हैं, वो वीड्स भी उन्होंने उगा रखी है। और वो कहते हैं कि आखिर फर्क क्या है वीड्स में और दूसरे पौधों में, दोनों प्लांट्स ही तो हैं, आखिर इनमें फर्क क्या है। उसी तरीके से तुम और मैं भी सेम है। तभी डेरी कहते हैं कि नहीं हम सेम नहीं है। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा जो फेस है वो बर्न है या फिर मेरा एक लेग टिन का है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम जो है उनका एक पैर नहीं था, उसकी जगह पर उन्होंने एक टिन का लेग लगवा रखा था, और वो कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर हम सब ह्यूमंस ही हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। इसके बाद मिस्टर लैम उन्हें बताते हैं कि उनका एक लेग वॉर के टाइम पर अलग हो गया था, और अब इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। जो बच्चे हैं वो मुझे लेमी लैम कहकर बुलाते हैं, मतलब मुझे चिढ़ाते हैं, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ लोग मुझे देखकर घूरते भी हैं, पर इस दुनिया में और काफी सारी चीजें हैं देखने के लिए, जैसे कि ये क्रैब एप्पल्स, ये वीड, ये सनफ्लावर्स। और फिर वो उन्हें ब्यूटी एंड द बीस्ट का एग्जांपल याद दिलवाते हैं और कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो रिलेटिव होती है, मतलब अलग अलग इंसान के लिए जो ब्यूटी है वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि जो ब्यूटी एंड द बीस्ट है
उसमें उस लड़की को उस मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है। इसीलिए हर इंसान के लिए ब्यूटी की डेफिनेशन अलग होती है, और उस स्टोरी में जैसे कि वो उस मॉन्स्टर को किस करती है तो वो एक ब्यूटीफुल प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है। पर फिर डेरी कहते हैं काफी नेगेटिव हो करके कि मैं इन फेरी टेल्स में नहीं मानता हूँ, और उस मॉन्स्टर की तरह मैं कभी भी चेंज नहीं हो पाऊंगा, और मुझे कोई भी कभी भी किस भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि मेरी जो मदर भी है वो भी मुझे मेरे फेस के दूसरे साइड पर किस करती है, और मुझे ऐसा फील होता है कि वो भी वो फोर्सफुली कर रही है, और मुझे अब इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता है। तब मिस्टर लैम उन्हें एक पॉजिटिव अप्रोच देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने फेस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, इस वर्ल्ड में और बहुत सारी चीजें हैं जो कि ब्यूटीफुल है, तुम उन सबको देख सकते हो, उस ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। तभी डेरी कहते हैं कि हाँ, मुझसे भी लोग ऐसा कहते हैं कि तुम उन लोगों को देखो जो कि दर्द में हैं, पर वो कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। हो सकता था कि तुम ब्लाइंड होते, या फिर तुम डेफ होते, या फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बैठे हुए रहते, या फिर तुम डाफ्ट यानी पागल होते, इसीलिए तुम्हें अपने आप पर बुरा नहीं फील करना चाहिए। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, ये तो सच बात है। तभी डेरी कहते हैं पर ऐसा सोचने से मेरा फेस चेंज नहीं होगा। और इसके बाद वो एक इंसिडेंट शेयर करते हैं जिसमें एक बार वो बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, और उस टाइम पर दो वुमेन्स वहां पर होती है, और उनमें से एक कहती है कि जरा उसे देखो, ये कितनी टेरिबल चीज है, कितनी डरावना फेस है इसका, और मैंने ऐसा कहते हुए उन्हें सुन लिया था। तभी मिस्टर लैम उन्हें कहते हैं कि तुम्हें उन सभी चीजों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है जो कि तुम सुनते हो। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहना चाहते थे कि अगर तुम पर कोई भी नेगेटिव कमेंट करता है तो तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, तुम्हें अपना मूड उसके कारण नहीं खराब करना चाहिए। इसके बाद डेरी मिस्टर लैम से कहते हैं कि आप बहुत ही पेक्यूलियर हो, मतलब आप बहुत अजीब चीजें कहते हो, और मुझे काफी सारी चीजें आपकी समझ भी नहीं आती है। इसके बाद मिस्टर लैम एक और एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर इस गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता भी है, और लोग कहते हैं कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो बज करती है, मतलब वो सिर्फ शोर करती हैं, पर मैं उन्हें सुनता हूँ, और वो बज नहीं करती है, वो हम करती है, मतलब वो सिंग करती है। और इससे मिस्टर लैम कहना चाहते हैं कि एक ही चीज के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग एटीट्यूड होता है, इसीलिए हमें सबकी बातों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद डेरी कहते हैं कि उन्हें ये जगह पसंद है, और उन्होंने जब देखा था कि ये जगह खाली थी इसीलिए वो यहाँ पर आए थे, और उन्हें लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है क्योंकि लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। तभी मिस्टर लैम ये सुनकर उन्हें एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो सबसे पहले तो उनसे कहते हैं कि अगर लोग तुमसे डरते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर बैठ जाओगे। और वो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, उसमें वो बताते हैं कि एक बार एक आदमी था जो बहुत ज्यादा डरता था कि शायद बाहर वो किसी बस से टकरा जाएगा, या फिर उस पर बिजली गिर जाएगी, या फिर वो रोड पर बनाना पर स्लिप हो जाएगा, इसीलिए उसने अपने आप को एक रूम के अंदर ही बंद कर लिया था और वहीं पर ही बैठा रहता था। और वहां पर एक बार जब वो अपने बेड पर बैठा हुआ था तब एकदम से दीवार पर लगी हुई पिक्चर उसके सर पर गिर गई और उसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर डेरी को वो समझाना चाहते थे कि हम डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहता है, पर उससे हम डर कर अपने आप को एक रूम में बंद कर नहीं रह सकते हैं। इसके बाद डेरी इस स्टोरी को सुनकर काफी हंसते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि आखिर मिस्टर लैम पूरा दिन क्या करते हैं। तो वो बताते हैं कि वो काफी सारी बुक्स रीड करते हैं। इसके बाद डेरी उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके घर की विंडोज पे कर्टन्स क्यों नहीं है। तो मिस्टर लैम उन्हें बताते हैं कि मुझे कर्टन्स पसंद नहीं है, मुझे चीजों को रोकना पसंद नहीं है। जब दिन होता है तो मुझे दिन की रोशनी पसंद है, और जब रात होती है तो मुझे रात की डार्कनेस पसंद है, और मैं विंडोज को हमेशा खुला ही रखता हूँ ताकि विंड भी अंदर आती रहे, मुझे किसी भी चीज को रोकना नहीं पसंद है। तभी डेरी भी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी जब बारिश होती है तो उसकी आवाज सुनना पसंद है। तभी मिस्टर लैम कहते हैं मतलब तुम इतने ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हो, तुम्हें अभी भी चीजें पसंद है, तुम अभी भी चीजें सुनते हो, उसे फील कर सकते हो। तभी डेरी एकदम से कहता है कि हाँ, मैं चीजें सुनता हूँ। एक बार जब मैं अपने घर में ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया था तब मैंने अपने पेरेंट्स को नीचे बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि आखिर इस लड़के का क्या होगा जब हम इसके साथ नहीं होंगे। तभी मिस्टर लैम उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो
पैर है, आंखें हैं, कान है, तुम बोल सकते हो, तुम चीजों को सोच सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग में सोचना है कि तुम क्या करना चाहते हो, और अगर तुम किसी चीज को करने के लिए ठान लो तो तुम किसी भी जने से उसे अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद डेरी मिस्टर लैम से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त है। तभी मिस्टर लैम उनसे कहते हैं कि सभी लोग मेरे दोस्त हैं जैसे कि तुम हो। तभी डेरी कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ, तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता है। तभी मिस्टर लैम उन्हें समझाते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमें एक दूसरे का नाम पता हो या न पता हो, उनका एड्रेस पता हो या न पता हो, उनका दोस्त बनने के लिए वो बताते हैं कि सभी लोग उनके दोस्त हैं भले ही वो उन्हें जानते हो या नहीं। जैसे कि यहाँ का गेट हमेशा खुला रहता है, लोग यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर बैठते हैं, बातें करते हैं। इसके बाद डेरी उन्हें पहली बार उन्हें अपना नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका नाम है डेरिक, पर उन्हें ये नाम पसंद नहीं है, इसीलिए वो उनसे कहते हैं कि वो उन्हें डेरी कहकर ही बुलाएं। इसके बाद डेरी उन्हें बताते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्हें वो हेट करते हैं। तभी मिस्टर लैम उन्हें कहते हैं कि ये चीज तुम्हें उस एसिड से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एसिड जो है उसने तो सिर्फ तुम्हारा फेस बर्न किया है, पर अगर तुम अपने ब्रेन में नेगेटिविटी रखोगे लोगों के लिए तो इससे तुम्हें और ज्यादा नुकसान होगा। उस एसिड से भी तुम डीमोटिवेट हो जाओगे और तुम इस लाइफ को अच्छे से जी ही नहीं पाओगे। इसके बाद डेरी उन्हें बताते हैं कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था एसिड वाला, और जब वो हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने एक जने को ये कहते हुए सुना था कि इसे उनके जैसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो कि इसके जैसे ही हो, मतलब ब्लाइंड लोगों को ब्लाइंड लोगों के साथ ही रहना चाहिए। तभी मिस्टर लैम कहते हैं सभी लोग सेम नहीं होते हैं, जिन लोगों का फेस बर्न होता है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो सभी सेम है। सभी लोगों की थिंकिंग अलग होती है, मेंटालिटी अलग होती है, इसीलिए सभी लोग यूनिक होते हैं। तभी डेरी उनसे पूछते हैं आखिर तुम सब ऐसी बातें कर कैसे लेते हो। तभी मिस्टर लैम उन्हें बताते हैं वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, मतलब वो चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। तब डेरी कहते हैं कि उन्हें ये गार्डन काफी ज्यादा पसंद है, ये घर काफी ज्यादा पसंद है। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम जब भी चाहो तब यहाँ पर आ सकते हो। पर डेरी उनसे कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो हो सकता है कि तुम अपने सारे दूसरे दोस्तों को खो दो, क्योंकि वो मुझे देखकर यहाँ से चले जाएंगे। तभी मिस्टर लैम उनसे कहते हैं पर तुम पूरी जिंदगी इस डर से के साथ तो नहीं रह सकते हो ना, हो सकता है कि वो लोग चले जाएं और हो सकता है कि वो लोग नहीं भी जाएं, तुम्हें रिस्क तो लेकर देखना ही होगा ना, नहीं तो तुम अपनी लाइफ को अच्छे से कैसे जी पाओगे। तभी डेरी कहते हैं कि वो लोग मुझे देखकर भाग जाएंगे। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो मैंने भी तुम्हें देखा और मैं तो नहीं भागा यहाँ से, ऐसे ही जो बच्चे हैं वो मुझे लेमी लैम कहकर बुलाते हैं, पर फिर भी वो मेरे घर पर आते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, वो मुझसे डरते नहीं हैं क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। इसी तरीके से तुम्हें भी किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद डेरी उनसे कहते हैं कि आपने कहा था पहले कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उन क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में, और साथ ही में आपका एक लेग टिन का है, तो आप उन एप्पल्स को कैसे तोड़ोगे। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तभी डेरी कहते हैं कि नहीं, पर उनकी मदर उनका वेट कर रही होगी घर पर, उनका घर यहाँ से 3 मील दूर है और उन्हें अभी पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी मिस्टर लैम उनसे कहते हैं तो तुम जाकर उन्हें बता दो कि तुम यहाँ पर हो और वापस आ जाओ। तब डेरी कहते हैं कि अगर मैं घर गया तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगी। तभी मिस्टर लैम उनसे कहते हैं कि वो तुम्हें नहीं रोक सकती है, पर तुम खुद को अपने आप को यहाँ पर नहीं आने दोगे। तभी डेरी उनसे कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें नहीं कह सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तब डेरी कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लोग मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम ढूंढ सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, बस तुम देखो, चीजों को ऑब्जर्व करो, लिसन करो। तब डेरी उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सच में कोई लोग आते हैं, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता है और तुम काफी अकेले हो और तुम्हारी कोई भी केयर नहीं करता है। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि ये एक अच्छा एक्सक्यूज है यहाँ पर नहीं आने का, और वो उनके बर्नड अप फेस के बारे में भी कहते हैं। और फिर मिस्टर लैम वहां से उठकर अपनी बीज को देखने के लिए चले जाते हैं। तभी डेरी थोड़ा सा पहले गुस्सा हो जाता है, पर फिर वो प्रॉमिस करके वहां से चला जाता है कि वो जरूर यहाँ पर वापस आएगा। और जब वो चला जाता है तब मिस्टर लैम खुद से ही कहते हैं कि सभी लोग ऐसा ही कहते हैं कि वो वापस आएंगे, पर वो कभी नहीं आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम भी कितने अलोन हैं, कितने अकेले हैं। इसके बाद सीन 2 में डेरी अपनी मदर से बात कर रहे होते हैं, जिनमें उनकी मदर उन्हें वहां पर वापस जाने से मना करती है, पर डेरी उनकी बात नहीं मानता है
और वो कहता है कि उन्हें यहाँ पर घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी उनकी मदर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा फेस जो है वो बर्न है, इसके कारण तुम्हें अच्छा नहीं लगता है और तुम्हें बुरा फील होता है। तभी डेरी कहता है कि ये मेरे फेस के कारण नहीं है और मुझे अब फर्क भी नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं मेरे फेस के बारे में, मुझे सिर्फ उससे फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या फील कर रहा हूँ। इससे हमें पता चलता है कि जो मिस्टर लैम ट्राई कर रहे थे डेरी में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, वो अब डेवलप हो चुका है। जैसे कि अब वो कहता है कि मुझे अपने फेस के कारण अब कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे सिर्फ उससे फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या फील करता हूँ। इसके बाद डेरी वहां से भागकर मिस्टर लैम के पास चले जाते हैं। इसके बाद सीन 3 में मिस्टर लैम कुछ क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे होते हैं लैडर पर चढ़कर, पर उस टाइम पर उनकी लैडर स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण पॉसिबली उनकी डेथ हो जाती है। और तब डेरी वहां पर पहुंचते हैं। तब वो पहले मिस्टर लैम को उठाने की कोशिश करते हैं, पर फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि वो अब नहीं उठेंगे और फिर डेरी वहां पर रोने लग जाते हैं। और यहीं पर ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखना हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।